श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, त्री रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मुझे गालिब की कुछ लाइनें याद आती हैं कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये लाइनें बड़ी फिट हो रही हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए नेता, विधायक और मंत्रियों की गजब की तूती बोल रही है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुरखी विधानसभा से है, जहां कांग्रेस नेताओं पर तो मामले दर्ज होने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर भी मामले दर्ज हो रहे हैं। किसके कहने पर ये मामले दर्ज हो रहे हैं, ये रिपोर्ट को देखें। लेकिन इस मामले में इतनी बात ज़रूर है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि नेता किसी गरीब की आवाज़ उठाता है तो फिर यहाँ उस पर सास की कार में बाधा डालने का मामला ही दर्ज हो जाता है। अजीब व गरीब विधानसभा की ये अजीब व गरीब दास्तां देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से कमलनाथ सरकार सत्ता से गई है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष के साथ असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। यह स्थिति उन विधानसभा में ज़्यादा भयावह है जहां कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक मंत्री बने हैं और विधायकों को उन विधानसभाओं में पावर मिला है। ताज़ा खबर प्रदेश की सुर्खियों में विधानसभा सागर जिले की सुर्खी विधानसभा है, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पर मामला दर्ज हुआ है। उनका आरोप है कि सियासत के चलते उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर उन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में हमारे गांव में 6-7 आदमी खत्म हो गए, तो हमने उनसे बोला सचिव महोदय जी कि इनकी 5,000 रुपया जो बनते हैं वो दे दो, इनने दिया नहीं। उसने हमसे बोला, हमने फिर उनसे बोला, इस बात पर उनने हम पे शासकीय काम में बाधा डालने की झूठी रिपोर्ट कर दी, और जबकि मोबाइल से हमारी बात हुई, और वो भी जिसकी पैसे नहीं दिए उसने हमारी बात करवाई, हमारे पास तो नंबर नहीं था। क्या हो रहा है सुर्खी विधानसभा में इस वक्त? सुर्खी विधानसभा में जो तीसरों झूठो मामला बन गया हम पे, किस पार्टी से हैं आप? हम भाजपा से। तो भाजपा ही पे मामले बन रहे हैं? भाजपा ही पे, अब जब हैं ही तो हम, माने आप क्या कहते हैं, भाजपा ही पे मामले बन रहे हैं? भाजपा ही पे बन गए। क्या हालत है वहाँ? हम क्या, वो तो सब दिक्कत ही है, निर्दोषों पर मामले बन रहे हैं। आपने दूसरे नेताओं से टच किया, क्या कहा? हम किसी के पास नहीं गए, नहीं किसी के पास नहीं गए कि हम पे मामलो बन गए। शिवराज जी से क्या कहेंगे? शिवराज जी से यही कहेंगे कि अब पार्टी के आदमों हो तो कम से कम छोड़ो, पहले हो ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, अब तो हम भाजपा के हैं कम से कम। और हाँ, जनप्रतिनिधि के हिसाब से, जनपद सदस्य, जनपद सदस्य के हिसाब से तो देखो यार, कोई आम आदमी हो तो हो, अगर सचिव से अपन कुछ बोल नहीं सकते क्या? जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? उसको तो आदेश करना होता है, बगैर गांव में थे ही नहीं तो ही झूठा मामला बना दिया। सागर जनपद की बरोदा ग्राम पंचायत के सचिव या शासकीय कर्मचारियों से अगर जनप्रतिनिधि यह पूछ ले कि किसी गरीब को योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, तो इस ग्राम पंचायत के सचिव उन जनप्रतिनिधि पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला ही दर्ज करवा देते हैं। इस ग्राम पंचायत के सचिव कर्मचारी से ज्यादा नेता के तौर पर काम करते हैं। जब इस इलाके के जनपद सदस्य दिनेश सिंह ठाकुर ने एक गरीब लुट्टन की मां की मौत पर अंतिम संस्कार में 5,000 रुपये न मिलने को लेकर सचिव से तकाजा किया, तो सचिव साहब नाराज हो गए
इस ग्राम पंचायत के सचिव देवेंद्र ठाकुर ने सुर्खी थाना में पहुंचकर सास की कार में बाधा की, भाजपा नेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस क्षेत्र से गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं। मंत्री महोदय, इस पर जरा ध्यान दें। अगर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी गरीब के लिए इंसाफ मांगेंगे तो क्या उन पर मामला दर्ज होगा? बहरहाल दिनेश सिंह ठाकुर इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया है कि गरीब के न्याय की आवाज़ उठाने पर अगर हमारे ऊपर मामला दर्ज होता है तो फिर कोई भी जनता से चुना हुआ नेता गरीब के लिए न्याय की मांग नहीं उठाएगा, नहीं तो उसे जेल जाना होगा। लक्ष्मी पांडे के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, ढाणा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।